शामली में होने वाली पीईटी की परीक्षा को लेकर जहां पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं चेकिंग के दौरान सटीक सूचना पर चार फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी सभी छात्र पैसे लेकर दूसरे के जगह पर एग्जाम देने के लिए आए थे। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपी अलग अलग जिले और प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें सभी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि परीक्षा से शासन प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे। पकड़े गए आरोपियों के पास हजारों रुपए की नकदी और कुछ फर्जी दूसरे युवक के नाम पर कागज मिले हैं। गिरफ्तार हुए चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जहां पकड़े गए आरोपियों में सोनू और अमित बिजनौर के रहने वाले हैं, जबकि रोहित बिहार के पटना में नारवोड़ा का रहने वाला है। वहीं संदीप बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। किसकी परीक्षा दे रहे थे? कहाँ का रहने वाला संदीप? नैनीताल का। उसका सेंटर लगा था यहाँ शामली में? हाँ। तो कितने लोग हो आप जो परीक्षा दे रहे थे? दो अकेले हम आए थे। दो अकेले हम आए थे। एक और लड़का है ना अमित? मेरा नहीं। वो कौन है जिसकी परीक्षा दे रहे है तुम्हारे साथ अभी यहाँ? तो कितने लोग आ रहे हैं तुम यहाँ परीक्षा देने के लिए? अच्छा, कितने में बात हुई थी तुम्हारी पेपर देने की? सर अभी हमें तो पैसा भी मिला ही नहीं। किसने पैसे में बात हुई? किससे बात हुई थी पैसे की? कोई अननोन आदमी था जिसका कॉल आया। अच्छा, तो ये जो आपने एडमिट कार्ड वगैरह चेंज की थी, कैसे आप एंट्री करी, कैसे आए? उन्होंने भेजा था। थोड़ा तेज बोलिए, कितने पैसे में बात हुई थी आपकी? 20,000 पेपर देने के मिलने थे। अरे भाई कौन आया? तो यस के बाद भी कुछ पैसा मिलना था। पुलिस हिरासत में लेकर आरोपियों से सख्ती से पूछताछ में जुटी है, ताकि पुलिस पूरे गिरोह का खुलासा कर सके। पुलिस पता लगा रही है कि कैसे अभ्यर्थियों की जगह सेटिंग की जाती है और कौन कौन इस मामले में शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के बारे में अभी पुलिस भी कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि आरोपी के पास से मिलने वाला प्रमाण पत्र किसका है, ये जाँच का विषय है। आधार कार्ड और पहचान पत्र पर सभी जगह कंप्यूटर से एडिटिंग की गई है। तो आधार कार्ड वगैरह जो एडमिट कार्ड चेंज किए थे, हमने नहीं किया। किसने किया? हमने पता, उसने उपलब्ध कराया। तो सेंटर तक कौन लाया आपको? सेंटर तक बताया गया था, सेंटर यहाँ पे है, तो मिलना था। अच्छा, तो कैसे बात हुई थी उस अननोन व्यक्ति से आपकी? अननोन व्यक्ति से कॉल आया था। तो आप ऐसे अननोन व्यक्ति की कॉल पे कैसे आए पेपर देने के लिए? बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब तुम्हारी वो जान पहचान का है। और कितने लोग ऐसे? अच्छा, पहले भी कभी ऐसी परीक्षा दी आपने? वहीं पकड़े गए युवकों के बारे में अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि जिले में परीक्षा जारी है, जो 13 सेंटरों पर करीब 13,000 छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है, जिसमें शामली के देश भगत इंटर कॉलेज से संदिग्ध मानते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ही पूछताछ पर और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज पीटी का एग्जाम हो रहा है जनपद शामली में, पूरे प्रदेश में हो रहा है। हमारे जनपद में 26,000 छात्र दो दिन में मिला करके 14, 15 और 16 में एग्जाम दे रहे हैं। आज लगभग 13,000 बच्चे दो पालियों में एग्जाम के लिए यहाँ पर इनरोल्ड हैं। सुबह की पाली में हम लोगों ने देशभक्त इंटर कॉलेज में अपने चेकिंग के दौरान और परीक्षा के दौरान दो संदिग्ध छात्रों को पकड़ा, और बाद में जब प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो दूसरे परीक्षार्थी के जगह पर परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, उनको हमने पकड़ लिया है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जिसकी जगह पर वो आए थे, वो भी दो लड़कों को ट्रैक करके और उनको समय पकड़ लिया गया है। इसमें गंभीरता से जांच भी की जा रही है, और अगर ये किसी गैंग या मतलब किस मकसद से हैं उनका भी खुलासा किया जाएगा। हम लोग पूरा पुलिस प्रशासन परीक्षा पर बहुत गंभीरता से नज़र बनाए हुए है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक सभी अपनी अपनी ड्यूटियां बहुत सही से निभा रहे हैं। बता दें कि यूपी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है, जिसके लिए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे गिरोह हैं जो नकल करवाकर छात्रों को पास कराने में जुटे हुए थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।